मेरा नाम मोना है और मैं पुराने सबरी में रहती हूँ और मैंने अपनी लाइब्रेरी का नाम गोंडी में रखा है सुक्कुम, सुक्कुमता किताब यानी कि लाइब्रेरी ऑफ स्टार सा। तो क्योंकि बच्चों ने खुद सोचा था कि हमारा जो लाइब्रेरी का नाम होना चाहिए वो गोंडी में होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हिंदी में ही होते हैं नाम, तो हमने सोचा था कि गोंडी में रखा जाए सुक्कुम यानी तारे। बच्चे काफ़ी समय से स्कूल से और सबसे थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें बच्चे अपने पसंद से खुद अपने पसंद से किताबें उठा के खुद पढ़े और साथ में उनके साथ एक्टिविटी किया जाए, डांस, कविताएं, नाटक और भी चीज़ें होनी चाहिए उनके साथ, मैंने सोचा था। और पहले तो मुझे मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं अपने घर में चलाती थी लाइब्रेरी और लगता भी था कि कैसे करूं, पहले सोचना पड़ रहा था मुझे कि शायद होगा कि नहीं होगा लाइब्रेरी, तो थोड़ी मुश्किल तो आ रही थी मुझे। और पहले थोड़े कम बच्चे थे, अब ज़्यादा हो गए हैं और अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे आ रहे हैं, जैसे गोंड है, कोई मराठी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब बच्चे मिक्स हैं उसमें और वो खुश भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद यहाँ पे करते हैं, जैसे साफ़ सफाई हो और चीज़ों को जमा के रख देते हैं, जैसे कलर कहीं पड़ा हुआ है तो उसको कहाँ रखना है, और बहुत चिंता भी करते हैं लाइब्रेरी की और टाइम से पहले आ जाते हैं, उनको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। और मैंने बीच में डांस भी सिखाया था उन लोगों को, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे वो, और मुझे लग रहा है कि इसमें और नए नए चीज़ें होने चाहिए ताकि उनका और इंटरेस्ट बढ़े लाइब्रेरी में। और मुझे बच्चों को लाने जाना पड़ता है और फिर लाइब्रेरी ख़त्म होती है तो फिर उनको मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता है, यहाँ पे सभी बच्चे मिक्स हैं छोटे छोटे सभी, तो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है उनको देख के और बच्चों की संख्या बढ़ भी रही है, तो मुझे लग रहा है कि और बच्चे आए और उसके माध्यम से मैंने सोचा है कि यूथ भी इसमें जुड़े और महिलाएँ भी जुड़े, तो बस बहुत खुशी हो रही है मुझे कि पहले क्या था, अब लग रहा है कि वाह मतलब खुद का लाइब्रेरी हो गया है, खुद का कमरा मिल गया है, तो बहुत खुशी हो रही है।